हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। कस्तूरबा विद्यालय शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन आना स्टार्ट हो गए हैं। जिले वाइज विज्ञापन आएंगे, इसकी सूचना मैंने आप लोगों को पहले भी दी थी कि 3,000 से लेकर 4,000 तक जो है वैकेंसी बिल्कुल जिले वाइज आएगी। जिस भी राज्य की वैकेंसी आएगी कस्तूरबा विद्यालय से संबंधित, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बिल्कुल समय पर बताया जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन YouTube की तरफ से आप लोगों को समय पर मिल जाएगा। अगर नोटिफिकेशन किसी कारण नहीं भी आता है तो भी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उन्हें आप रेगुलर देखते रहें। हो सकता है कि आपकी वैकेंसी उसमें हो, आपका सब्जेक्ट हो, और कहीं अंतिम डेट निकलने से पहले वो ना निकल जाए, तो इसीलिए जो है आप लोग देखते रहें। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, जितनी भी वैकेंसी जारी होती है शिक्षक भर्ती की, चाहे वह सरकारी हो, प्राइवेट हो, या फिर ऐसे डिपार्टमेंट की वैकेंसी जिसकी सूचना आप लोगों तक नहीं पहुंचती है, मेरे द्वारा आप लोगों को बिल्कुल समय पर बताया जाएगा। कस्तूरबा विद्यालय में आप सभी जानते हैं परीक्षा या इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। चयन कैसे होता है? तो चयन का जो आधार है वो आपके मार्क्स रहते हैं। जितने अधिक मार्क्स जो हैं, 10th 12th, ग्रेजुएशन, बीएड, ठीक है, और या फिर आपने जो है टेट क्लियर किया है, तो इनके अंक जो है जोड़े जाते हैं, और जोड़ने के बाद जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। फिर जो है कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो कोई भी परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होता है, इसी तरीके से सिलेक्शन रहता है। कई बार जो है इंटरव्यू कंडक्ट कब करवाया जाता है? जब दो विद्यार्थियों के मार्क्स जो है वो बिल्कुल समान हो, तो ऐसी कंडीशन में इंटरव्यू हो सकता है। फिलहाल जो वैकेंसी है जनपद जालौन की है। स्टार्टिंग डेट जो है 20 जून 2024, और आवेदन पत्र की लास्ट डेट है 5 जुलाई, ठीक है। तो यहां पर जो है पीडीएफ फाइल को ओपन कर लेते हैं। इसमें जो है पहले पुरुष और महिला दोनों ही जो है आवेदन करते थे, बट लास्ट ईयर से जो है ये चीज़ कर दी है कि सभी पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है समस्त पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं, तो पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको बता दूँ, लास्ट डेट जो है 3 जुलाई 2024 है। इसमें आप लोगों को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना होता है दिए गए एड्रेस पर लास्ट डेट से पहले। तो इस जिले में जो है ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है जिले वाइज आना स्टार्ट हो जाएगी। सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल आवेदन इसमें कर पाएंगे। हिंदी और संस्कृत विषय में वैकेंसी है पूर्णकालिक शिक्षिका की। योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता, हिंदी एवं संस्कृत विषय से आपकी ग्रेजुएशन एवं स्नातक के साथ जो है प्रशिक्षण उपाधि व उच्च प्राथमिक स्तर की टेट, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपने जो है हिंदी या संस्कृत पढ़ी हो तीनों साल, बीएड चाहिए, और सीटेट पेपर टू या फिर आपके राज्य का टेट पेपर टू क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। 25 से लेकर 45 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी जो है इसमें 24,200, पहले 21,000 रहती थी, लेकिन अभी जो है इसको बढ़ा दिया गया है। कला, क्राफ्ट, संगीत एंड गृह शिल्प, ये जो है हिंदी संस्कृत फुल टाइम टीचर्स की है, और ये हाफ टाइम के लिए, ठीक है। यानी इसमें जो है आप लोग पढ़ाने के बाद घर जा सकते हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका को वहीं रहना होता है स्कूल में। संबंधित विषय में स्नातक उपाधि के साथ जो है प्रशिक्षण उपाधि आपकी होनी चाहिए इसमें। इसमें सैलरी जो है यहाँ पर 10,780। मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, ये सब जो है महिला रहेंगी, पूर्णकालिक हैं ये दोनों, 8वीं पास होनी चाहिए। 7,590 जो है इसमें सैलरी मुख्य रसोईया की है, सहायक रसोईया जिनके साथ में काम करेंगे 5,693, ठीक है। ये वैकेंसी है सहायक रसोईया में, दो वैकेंसी है। नेक्स्ट जो है परिचारक पूर्णकालिक, तो इसमें भी 8वीं, चौकीदार भी 8वीं, इसमें 6,325 जो है आपकी सैलरी रहेगी। तो अगर आपका सब्जेक्ट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको ये तो पता लग ही गया कि क्वालिफिकेशन जो है क्या मांगी जाती है, आयु क्या रहती है, और अब जो है आपकी सैलरी क्या रहेगी पूर्णकालिक शिक्षिका की, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, और बिल्कुल जो है जिन्होंने पहले
फॉर्म भरने के इच्छुक थे बट लास्ट डेट निकल गई, नहीं भर पाए थे, तो अभी जो है वो ध्यान में रखेंगे। जिस भी राज्य की जारी होगी आप लोगों को बिल्कुल बताया जाएगा। ये फॉर्म है, इसी पीडीएफ फाइल के नीचे आप लोगों को ये फॉर्म मिलेगा, इसे आपको जो है डाउनलोड करके फिल कर लेना है इस फॉर्म को, ठीक है। इसमें जो है किस बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपने हाई स्कूल, इंटर, स्नातक या स्नातकोत्तर किया है, बीएड किया है, टेट किया है या सीटेट किया है, वो सब भी आप जो है फिल कर लेंगे। अनुभव है तो वो भी आप डाल लेंगे। जितने अधिक मार्क्स आपके जो है इसमें रहेंगे, सिलेक्शन जो है उतना ही जो है आसान हो जाएगा। तो जो भी क्वालिफिकेशन है सभी डाल दें। स्नातक मांग रहे हैं बट आपने जो है मास्टर डिग्री किया हुआ है तो इसको भी आप फिल कर देंगे, ठीक है। तो डाउनलोड करके फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी इसमें लगा देनी है और एड्रेस पर भेज देनी है समय से पहले। एड्रेस क्या रहेगा, सबसे ऊपर ही जो है आप लोगों को एड्रेस दिखेगा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, यहां से वैकेंसी है, ठीक है। ये जो वैकेंसी जारी होती हैं समग्र शिक्षा के तहत ये जारी होती हैं। उद्देश्य ही ये है कि सभी को जो है वो शिक्षा मिले। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है आप लोगों को। वैकेंसी का नोटिफिकेशन कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे जनपद जालौन की, और इसमें जो है व्हाट्स न्यू में सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा ऑफिस ऑफ बेसिक एजुकेशन ऑफिसर जालौन एट ओरई, ठीक है। इस पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ फाइल आ जाएगी, व्यू 1 MB, इस पर क्लिक करना है। तो सेम चीज रहेगी, जितने भी अभी आगे कस्तूरबा विद्यालय की वैकेंसी जारी होगी तो इसी तरीके से जो है आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और वहीं पर आप लोगों को वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिलेगा और उसी में आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा। तो बिल्कुल लगातार बने रहें चैनल पर। थैंक यू।